पूरे देश में एक राम राज्य 22 जनवरी के प्रभु राम के मंदिर सचिव का दिन हुई। 500 साल के बाद उत्सव आवता, कितने साधु संत के छाती पर गोली मारी गई, कबार फाड़ दिल गल हो गोजी गोजी, श्री राम बोलने पे मारा जाता था, अपने राम का नाम नहीं ले सकते थे हम लोग। यही भारत में बोलो राम तो मारते थे गोली, कई साधु संत यह गोरखनाथ मंदिर से आंदोलन का शुरुआत है। याद बाबू बड़े महाराज जी बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और आज 500 साल बाद अपने प्रभु राम के आवास में ले जाता, उनके स्थान अपने राम के स्थान में ले जाता, बहुत बड़ा। कांग्रेस और सपा को मिर्गी का बीमारी आता है। बोले भारत माता की वंदे, बोले जय श्री राम। हाँ, जितना इन लोगों को डबल मिर्गी आता है जब जय श्री राम। उस सब सोच को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आई ना, 17 में हमारे पूज्य महाराज जी आई ना, और पहले काम हुआ कि आखिरी गांव कहां बा, गरीबी कहां बा, कहां पे लाचारी है, कहां अत्याचार हुआ, कहां शोषण हुआ, कहां बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, कहां गुंडा दबंग लोग माफिया लोग जमीन कब्जा किया, कौन बड़ी जात का छोटी जात को मारने लगा, केकर खेत कब्जा हो गई जात के नाम पर। महाराज जी पहले उनकर पूरा सब लोगन का लिस्ट निकलना, तब ही काम शुरू भइल। तब आज उत्तर प्रदेश उत्तम श्रेणी में आ गई इकोनॉमिकली, आज पैसा से लेके समृद्धि से लेके पूरे भारत में सबसे ऊंचाई पे आ गए, $1 trillion के एकदम करीब महाराज जी पहुंच गए बाड़न। आप रोज देख रहे हो विकास की गंगा, जो मोदी जी सोच रहे थे, इतना बड़ा प्रदेश मोदी जी के पद चिन्हों पर चल के पूज्य महाराज जी उसी बारीकी के साथ एकदम इकोनॉमिकली ध्यान देते हुए, कहीं ज्यादा खर्च नहीं, जहां भी ईमानदारी हो, कहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है, दलाल नहीं है, बिचुलिया केहू नहीं बा, कोई दलाली ना मांग सकाला, केहू को ताकत नहीं थे कि मकान बनाए खातिर पैसा दे दा, शौचालय बनाए खातिर जमीन का काम करवाई, किसी की हिम्मत नहीं है अब गोरखपुर का पूरे उत्तर प्रदेश में, ताकत नहीं किसी की कि कोई दलाली मांगे, और कोई मांगता है तो कृपया बताइएगा। महाराज जी छोड़ा ना नहीं अत्याचारी दुराचारी लोगन के, और जे खासकर पाप करेला, और खासकर गरीब लोगन के साथ, वंचित लोगन के साथ। तो ये विकसित भारत रथ यात्रा जो निकलल बा, ये कुल लाभार्थी जितने हैं वो लाभार्थी अनगिनत हैं, जिनके मकान मिलल, किसान में खाता में पैसा मिला था, शौचालय मिलल बा, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया इलाज के लिए, 5 लाख रुपया कभी केहू सोचले नहीं रहे, अचानक केहू बीमार पड़ जाए जेबू, अचानक 5 लाख एगो कार्ड खाली देता, यहाँ स्टॉल लगल बा, अगर केहू का कार्ड नहीं बन, कृपया कार्ड बनवा लीजिए, हाथ जोड़ के निहोरा बा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लाख रुपए में मुफ्त इलाज, सरकार पैसा दे, वो कार्ड बनवा लिया, नमो ऐप में अपन नाम डाल दिए, कुल स्टॉल लगल बा यहाँ पे, आज सब काम करके जाना, हम लोग के जाने के बाद ऐसे मत चल जाइए, स्टॉल पे अपन डॉक्टर लोग हैं, वहाँ फ्री में मुफ्त में दवा भी मिला था, बीपी शुगर जेके जोन जोन बीमारी भी अपन चेकअप करवाइया, मुफ्त में दवा लेके जाना, कृपया हाथ जोड़ के, सब दवा बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ बैठे हुए, कुल अपन दवाई ववाई सब लेके जाइए यार से, खाली हाथ के हो ना जाए। यह विकसित भारत बा, यह भाजपा के सोच बा, यह मोदी योगी के डबल इंजन सरकार। इसीलिए आज पूरे देश में एक राम राज्य 22 जनवरी के प्रभु राम के मंदिर सोचिए का दिन हुई हो। हमनी लोगों के तो अलाव नहीं बा 22 जनवरी के, महाराज जी का आदेश है कि उस दिन झाड़ू मरिएगा कुल मंदिर में, तो हम लोग पूरे लोग सारे माननीय विधायक लोग सारे लोग झाड़ू पोछा करेंगे जितना मंदिर है जिले में। तो कृपया आप लोगों से भी नोहराबा कुल वहरा नहीं कुछ जिया कि 22 के चला हो 22 के चला ना, अपने घरे में दिया दीपक प्रभु राम के नाम का जलैया। मोदी जी का यह आह्वान बा, पूज्य महाराज जी का भी यही, उस दिन हम लोग जाएंगे, उसके बाद
बस में महाराज जी भी गड़िया में कहत रहने कि बस में से सब नेता लोगों को जनता के बस कर करके आप लोग सांसद जी विधायक जी लोग सब लोग लेके जाएंगे, महाराज जी खुद सरप्राइज हो आप लोगों को देंगे, कैसे करिए महाराज जी के मालूम बा, लेकिन हम लोग के आदेश बा कि आप लोग को दर्शन हम लोग खुद करवाएं प्रभु राम का, हम लोग स्वयं ना जाए, कोनो वीवीआईपी कल्चर में ना पड़े, भीड़ ना करें हो जा। तो 22 जनवरी के प्रभु राम के मंदिर का दीपक जरूर जलाइए अपने घर में, हो सके अगल बगल के मंदिर में साफ सफाई जरूर करिए, बहुत बड़ा उत्सव है। 500 साल के बाद ये उत्सव आवता, कितने साधु संत के छाती पर गोली मारी गई, कपार फाड़ दिल गल हो गोजी गोजी, श्री राम बोलने पे मारा जाता था, अपने राम का नाम नहीं ले सकते थे हम लोग, यही भारत में बोलो राम तो मारते थे गोली, कई साधु संत, यह गोरखनाथ मंदिर से आंदोलन का शुरुआत भइल याद बाउद्दीन बड़े महाराज जी से बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और आज 500 साल बाद अपने प्रभु राम के आवास में ले जाता, उनके स्थान अपने राम के स्थान में ले जाता, बहुत बड़ा दिन बा, 18 दिन बचल बाटे, बड़ा आनंद से मनाइए। जय हो सब लोगन के, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ऐसे बोलवा तो फिर सपा लोग कपारे गुजी लेके दौड़ी हैं, बोलो भारत माता की, कांग्रेस और सपा को मिर्गी का बीमारी आता है, बोलो भारत माता की, वंदे, बोलो जय श्री राम। हाँ जितना इन लोगों को डबल मिर्गी आता है जब जय श्री राम बोलते हैं। पूरे देश में एक राम राज्य 22 जनवरी के प्रभु राम के मंदिर, सोचिए का दिन हुई 500 साल के बाद ये उत्सव आवता, कितने साधु संत के छाती पर गोली मारी गई, कपार फाड़ दिल गल हो गोजी गोजी, श्री राम बोलने पे मारा जाता था, अपने राम का नाम नहीं ले सकते थे हम लोग, यही भारत में बोलो राम तो मारते थे गोली, कई साधु संत, यह गोरखनाथ मंदिर से आंदोलन का शुरुआत है याद बाबू बड़े महाराज जी, बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और आज 500 साल बाद अपने प्रभु राम के आवास में ले जाता, उनके स्थान अपने राम के स्थान में ले जाता, बहुत बड़ा। कांग्रेस और सपा को मिर्गी का बीमारी आता है, बोलो भारत माता की, वंदे, बोलो जय श्री राम। हाँ जितना इन लोगों को डबल मिर्गी आता है जब जय श्री राम।